गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड हाफ चैप्टर. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. चैप्टर ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3. ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे. हाउ मेनी बल्ब्स ए फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे. ऑन द सेकेंड डे इट मेड 123 बल्ब्स. हाउ मेनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टूगेदर. तो मतलब कि फर्स्ट डे कितना बल्ब बना था? 270. और सेकेंड डे कितना? 123. तो क्या करेंगे, कितना बल्ब बना तो क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे. जोड़ने पे क्या आएगा, ऐड करने पे, तो 0 में 3 ऐड किए तो 3, 7 में 2 ऐड किए तो 9, और 2 में 1 ऐड किए तो 3. तो कितना नंबर हो गया मेरा, 393. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है, व्हाट प्रॉब्लम. ए शॉपकीपर रफी हैड 153 कैंडल्स और पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल्स. हाउ मेनी कैंडल्स डज रफी हैव नाउ. अब क्या था, रफी कैंडल का जो दुकान था वो, उसके पास कितने कैंडल्स थे, तो 150 थे. अब पारस जो थी उसको कितना दिया, 237. तो हाउ मेनी कैंडल्स डज रफी हैव नाउ, अभी उसके पास कितना कैंडल होगा. तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. 237 में 153 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10. तो 0 हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा क्या, तो 3 एंड 5 को ऐड की तो क्या हो जाएगा, 9. और यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3. तो कितना मेरा आंसर हो जाएगा, 390. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे. ए ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरी 132 पीपल. अनदर कंपार्टमेंट इज कैरी 129 पीपल. इन ऑल हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन बोथ ऑफ द कंपार्टमेंट. तो एक कंपार्टमेंट में कितने पीपल है, तो 132. उस दूसरे कंपार्टमेंट में कितने कैरी, कितने पीपल हैं, तो 129. तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे. यहाँ वंस लिख देंगे, वंस के लिए क्या लिखेंगे, ट्रायंगल शेप में बनाएंगे. यहाँ टेंस के लिए जैसे बनाया हुआ है वैसे यहाँ 100 लिख देंगे. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसके स्थान पे एच लिख दीजिएगा, टेंस के स्थान पे टी, और वंस के स्थान पे ओ लिख दीजिएगा. ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ नीचे सॉल्व की हूँ. नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैं सॉल्व की हूँ. देखिए यहाँ है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये ट्रेन का कंपार्टमेंट फर्स्ट में 132 है और सेकंड में कितने हैं, 129. दोनों को ऐड करने पे क्या आता है, 261. आप इसको इस तरह से ऐड कर दीजिएगा, 132 129. ठीक है, इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, या वंस, या टेंस, या 1000 लिख दीजिएगा. ठीक है, यहाँ 11 हो गया, टेंस की पर 1 हो गया, 1, 3 और 2 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 6, 1, 1, 2. मैं आंसर आ गया 261. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है. अब सानू फाउंड 138 पेबल्स और करीम फाउंड 44 पेबल्स. हाउ मेनी पेबल्स डिड दे फाइंड इन ऑल. तो कितना मतलब हुआ, उन्होंने कितने पेबल्स इकट्ठा किए, तो क्या करेंगे, 138 में 44 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 4 को ऐड किए तो कितना हुआ, 12 के यहाँ 2 हो जाएगा, 1 टेंस वाले प्लेस में चल जाएगा, 1, 3 और 4 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ 1, तो 182. ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ए टीचर केप्ट ए नोट ऑफ विच फ्रूट्स स्टूडेंट्स लाइक इन हर स्कूल्स. दिस इज व्हाट सी फाउंड. आप देखेंगे यहाँ पे क्या, एक टीचर अपने स्कूल में यह पता लगाती है कि बच्चों को कौन से फ्रूट्स पसंद हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ फ्रूट्स के नेम है,
ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ गर्ल्स है या बॉयज है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट इन द स्कूल लाइक ऑरेंजेस। ऑरेंजेस कितना पसंद करती कितने स्टूडेंट, तो क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऑरेंज है ना, सिक्स कितना 136 में 128 को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। सिक्स और एट को ऐड किए तो क्या हो गया 40। यहाँ टेंस वाले प्लेस में वन चल जाएगा, वन थ्री और टू को ऐड किए तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ वन वन ऐड किए तो 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 264। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट इन द स्कूल लाइक मैंगोस। अब कितने बच्चे कितने स्टूडेंट हैं जो मैंगोस पसंद करते हैं। यहाँ पे क्या है मैंगोस क्या है 240 और 243 ऐड किए तो क्या हो जाएगा 3448 और 2 + 2 = 4, देखिए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 483, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आया था मेरा 264 आया था ऑरेंज, और मैंगो में कितना आया था 4+ कर देंगे 483 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 4 और 3 को ऐड की थी कितना हो जाएगा 7, और 6 और 8 को ऐड किए थे कितना 14, 14 में से 1 इधर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 को ऐड किए थे कितना हो जाएगा 7, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 747, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 मोर देन है और क्या लेस देन 350। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो 136 है ऑरेंजेस लाइक करती है, मैंगोज कितना लाइक करती है कितना बच्ची, तो 240, तो दोनों पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो देखते हैं कितना होता है। ऐड करने पे क्या 6 और 0 को ऐड किए तो 6, और 3 और 4 को ऐड किए तो क्या हो जाएगा 7, और 1 और तो यह क्या है, क्या है 350 से ज़्यादा है कि 350 से कम है, तो मोर देन 350। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ नीचे आपको PDF भेज रही हूँ, उसमें आपका नीचे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा यहाँ पे मैं यहाँ बताई हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, ये टीचर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे है पहला ए का आंसर, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और इधर डी है। इसी तरह आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका प्रैक्टिस टाइम है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोगों को ऐड करना है, सिंपल वे में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं पहला बताती हूँ 345, पहले यहाँ पे आप ले लीजिएगा वंस टेंस 100, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 345 है, तो 300 है 45, और यहाँ क्या 52 टेंस वाले प्लेस से स्टार्ट करेंगे 52, इस तरह से ऐड कर दीजिएगा। 5 और 2 को ऐड किए तो क्या 7, 4 और 5 को ऐड किए तो 9, और यहाँ 3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 397, इस तरह से भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है, दूसरा मैं यहाँ पे बताई हूँ, इस तरह से भी आप यहाँ देखिए है ना, यहाँ पे मैं क्या बनाई हूँ वंस को कैसे बनाई हूँ, वंस वाले प्लेस को ट्रायंगल शेप में बना दी हूँ, टेंस वाले प्लेस को क्या बना दी हूँ स्क्वायर शेप में, और 100 वाले प्लेस को क्या बना दी हूँ ओवल शेप में, ठीक है। इस ये भी लिखने का एक तरीका है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो 100 टेंस और वंस इस तरह भी लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी तरह से सेकंड बनाई हूँ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, सॉल्व क्यों
पहले अपने से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर देख के चेक कीजिएगा कि आप जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। इसी तरह से बी में भी आपको ऐड करना है, उसी तरह से सिंपल वे में आपको एडिशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। माइंड बस गेम है, यहाँ पे गेम है। टू फ्रेंड्स प्ले दिस गेम, दो फ्रेंड हैं जो खेल सकते हैं। यू लाइक एट द बस सम पीपल कम इन प्लस एंड सम लीव टू माइनस फॉर ईच बस स्टॉप। यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा कि बस पे यहाँ पे प्लस का साइन है, तो क्या उस पर बस पे चढ़ है, और माइनस का चिन्ह है, तो समझिए कि बस से उतरे। हाउ मेनी आर्स देयर इन ऑल, ठीक है, कितने हैं। सॉल्व करना है इसको आपको माइंड में, डिस्कस करना है अपने आंसर, एक दूसरे से डिस्कस करना है अपने, और जिसका राइट आंसर है होगा उसको पॉइंट मिलेगा, जिसका रॉन्ग होगा उसको पॉइंट नहीं मिलेगा। ये गेम है और कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ क्या है। वर्क आउट फोर डिफरेंट वे टू राइट द नंबर्स। यहाँ पे फोर डिफरेंट वे में आपको लिखना है। 59 है, उसको अलग अलग तरीका से आप किस किस तरीका से ऐड करके लिख सकते हैं वहाँ पे लिखना है। इस ये सिंपल वे है, आप अपने कोई भी तरीका से लिखता है। उन दोनों का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 59 के बराबर होना। जैसे 59 है, यहाँ 50 प्लस 9 कर दिए, यहाँ 30 प्लस 29, ये इसको भी ऐड करेंगे तो 59 आएगा। 19 प्लस 14 को भी ऐड करेंगे तो 59 आएगा। 59 प्लस 0 भी ऐड करेंगे तो मेरा 59 आएगा। उसी तरह 78 है, 78 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 70 प्लस 8 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 50 प्लस 28 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 प्लस 48 भी कीजिएगा तो ऐड कीजिएगा तो 78 आएगा, और 78 प्लस 0 भी कीजिएगा तो भी आपका 78। इसी तरह से आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करिएगा, देखिएगा दोनों को ऐड करने पे आपका आंसर आना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसे मैं बता दी हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके बता दी हूँ। ये अपने से माइंड में आपको करना है, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे क्या है, कैन यू सॉल्व दिस पजल्स। अब यहाँ पे पजल्स है, राइट द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन द सर्किल। आपको यहाँ पे 6 सर्किल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स सर्कल है। सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर इज 12। आप इन तीनों को अगर सम कीजिएगा तो 12 होना चाहिए, इन तीनों को सम कीजिएगा तब भी 12, और इन तीनों को भी जोड़िएगा तो आपका 12 होना चाहिए। मतलब किधर से भी अगर हम तीनों नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मेरा नंबर 12। और कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे कोशिश करती हूँ, यहाँ 4 लिख देती हूँ, यहाँ 3 लिख देती हूँ, यहाँ 5। अब इन दोनों को 5 + 3 = 8 + 4 = 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 में 1 लिख देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं, इसको भी जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 12। इन दोनों के साथ जोड़े तो 12, अब यहाँ 10 हो गया तो यहाँ 2, इन दोनों इन तीनों को जोड़े तो क्या मेरा आ गया 12। तो देखिए कोई भी डिजिट मेरा रिपीट नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे मेरा 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कोई भी डिजिट मेरा रिपीट में नहीं हुआ था। फिर से मैं इसको राइट डाउन कर देती हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ 4, 3, 2, 5, 1 और 6 सर्किल में कर दीजिएगा। सभी को ऐड करने पे मेरा क्या हो जाएगा, जैसे 5 + 3 + 4 = 12, 5 + 1 + 6 = 12, और क्या है 4, 4 + 2 + 6 = 12। तब तरह से जोड़ने का है ना 12। हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है देखते हैं।
आएंगे, यहाँ पे फाइंड करना है आपको, फाइंड मिट्ठू बैग। अब यहाँ पे मिट्ठू का बैग है। डू ऑल द सम मेंटली, आपको यहाँ सम करना है सभी को। यहाँ पहला ए सम किए तो 75 में 28 किए तो क्या आया 95, 90 में 60 ऐड किया है तो क्या आएगा 150। और इसके बाद क्या करा है, फाइंड मिठू बैग्स एंड चेक योर आंसर। उसके बाद फाइंड करना है, चेक योर आंसर, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द नंबर्स विच द विच आर द आंसर्स राइट इन द बॉक्सेस बिलो। तुम्हारे जवाब अगर सही होंगे तो तुम सही रास्ते से बैग तक पहुंच पाओगे, नहीं तो तुम भटक जाओगे। अब देखते हैं यहाँ पे इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है नंबर, यहाँ जैसे रास्ता भी बताते चलना है, ठीक है। हम इन तीनों को ऐड किए तो कितना आया मेरा 58, मेरा आंसर यहाँ क्या आएगा 58। तो ये यहाँ कहाँ से, यहाँ से फिर ये यहाँ आएगा, ठीक है 58। अब इस इन तीनों को ऐड किए तो क्या आएगा नंबर 80, तो ये फिर यहाँ से इधर चल जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड किए तो 700, फिर ये रास्ता इधर आ जाएगा। फिर इन तीन इन दोनों को ऐड किए तो क्या आ जाएगा मेरा नंबर 750, फिर ये मेरा रास्ता यहाँ चला जाएगा। देखते हैं हम बैग तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड किए तो 790 सीधे जाना है, ठीक है। अब इन दोनों ये दोनों को ऐड किए तो 519 का है मेरा ऊपर। अब हम चले जाएंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को सम करें तो 855 कहाँ, यहाँ है। इसके बाद इन दोनों का ऐड किए तो 728 नीचे आ रहे हैं। फिर इन दोनों को ऐड किए तो क्या आ जाएगा मेरा 219, वेरी गुड। अब इन दोनों को ऐड किए तो 86, वाह मैं तो सही रास्ते से बैग पे पहुंच गई, रास्ता से मैं पहुंच गई ना, सबको अगर सम किए तो सही रास्ते से मैं बैग के पास पहुंच गई। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, कार्ड गेम। यहाँ पे वन डे बबली एंड गोकू वेयर प्लेइंग, बबली गेव 3 नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ गोकू। अब क्या कर रही है, 3 नंबर ऑफ कार्ड जो है गोकू को दे रही है। ही अरेंज द कार्ड इन 2 वे, वो जो है अरेंज किया कार्ड को 2 तरीका से, ठीक है। ये 3 नंबर का कार्ड है, एक 150, एक 120 और एक 30। इसको इस तरह से अरेंज करना है कि आपका सही हो। तो बबली अरेंज देम दिस वे। अब ये भी पूछ रहा है कैन यू अरेंज दिस कार्ड्स, यहाँ भी पूछ रहा है कैन यू अरेंज दिस कार्ड्स अदर देन दिस 2 वे, मेरे से मतलब क्या तुम इस कार्ड को इन 2 तरीकों के अलावा किसी और तरीकों से भी रख सकती है। तो बबली बोली ठीक है, बबली अरेंज हिम दिस वे। अब बबली किस तरह अरेंज की, इसका तरीका डिफरेंट है, इसका तरीका दोनों डिफरेंट तरीका है, बबली दूसरे ढंग से इसको कर दी। इजंट इट इंटरेस्टिंग, क्यों है ना मज़ेदार है। चलिए अब हम आएंगे, यू कैन आंसर प्लेट, हियर आर द कार्ड्स। अब हम आएंगे, हियर आर द कार्ड्स फॉर यू, वर्क आउट द कम्युनिकेशन, प्लेस द कार्ड इन द राइट बॉक्सेस। अब इस मतलब कि मान लो ये तुम्हारे कार्ड है, अब सोचो कि संख्याओं को अलग अलग तरीके से लिखने में क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास ये कार्ड है, 3 कार्ड है, 50, 70 और 20। यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक डिजिट इस तरह से लिख सकते हैं, 50 + 20 = 70 हो गया। एक तरीका ये भी हो सकता है, और 20 + 50 = 70, ये दो हो गया ना, 2 तरीका। वैसे ही आपको अलग अलग तरीका से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ मैं
नीचे लिखी हूँ, इसको देखिए, चाहे आप अपने दिमाग से अगर कोई आइडिया आ रहा है उसको उस ढंग से लिखिएगा। अब यहाँ पे जैसे मेरा सेकंड क्वेश्चन है 50 + 20 = 70, लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या दे दिया है, माइनस का। तो इसके लिखने का तरीका भी इससे डिफरेंट है। यहाँ पे इसके कार्ड, इसका कार्ड सेम था, दोनों कार्ड क्या थे मेरे, ए और बी, ए ये वाला कार्ड तीनों ऐसे, ये देखें यहाँ पे भी 50, 70 और 20 है, यहाँ पे भी 50, 20 और 70 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में ऐड है, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दोनों के लिखने का तरीका मेरा अलग अलग हो गया। वैसे ही सेकंड बी क्वेश्चन में भी वही है, वैसे ही है। बी में क्या है, 30, 40, 42 और 12 है, 3 कार्ड है। तो इसको इस तरह से दोनों का अगर प्लस है तो दोनों को ऐड किए तो यहाँ इस तरीका से लिख सकते हैं, इसको इस तरीका से लिखते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट है तो 42 को आगे कर दीजिए, पहले 12 से माइनस कर दीजिए तो 30, फिर 30 से माइनस कर दीजिए तो 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन ऐसे को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, समझते हुए ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है, कोई गलती नहीं कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।